Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घरों में होंगे, सेफ होंगे. सो जी, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया आपकी स्किन टाइप, आपकी प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए और आपकी स्किन के हिसाब से क्या ठीक है. तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो. और उस वीडियो में जो कॉमेंट्स आए हैं और लोगों ने जो मुझे DM किए हैं वो ये है कि भाई उसमें मैंने जिक्र किया था गर्मी दानों का, छोटे छोटे जो मुझे हो रहे हैं, इसके लिए क्या करें. और उसको सिर्फ मैंने बताकर, और शोशा कहते हैं ना, शोशा छोड़ दिया और उसके बारे में बताना भूल गई. मैंने बताया सकते हैं. मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, पिंपल्स के लिए, एक्नी के लिए क्रीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सिर्फ जब आप पिंपल्स और एक्नी पे लगाते हो किसी हद तक आपके पिंपल्स को दबा देती हैं या फिर ड्राई कर देती हैं एंड फिर वो पील ऑफ होके खत्म हो जाता है. लेकिन वो सूरत जब होती है कि जब वो बड़े बड़े होते हैं. अभी जब ये छोटे छोटे से हैं तो भाई इनका क्या करें. इनके लिए हम कर सकते हैं कि प्रॉपर हम लोग क्लिंजिंग करें, ठीक है. इसके अलावा हम लोग जो है वो वीक में एक बार, ज्यादा नहीं, वीक में एक बार हल्की सी सॉफ्ट हाथों से स्क्रबिंग कर लें, ठीक है. ये एक दो चीजें हम करें, ज्यादा से ज्यादा स्किन को हमने रखना है क्लीन. इसके अलावा जी क्या प्रोडक्ट्स हैं या क्या चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल करके इनको लाइट कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दे. अच्छा जी, सो आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि भाई अगर पिंपल्स हैं आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक सबसे पहले फेस वॉश देता है, उसके बाद आपको क्रीम देता है. फेस वॉश देकर वो आपको बोलता है कि भाई पहले ये फेस वॉश इस्तेमाल करें कम से कम एक हफ्ता 15 दिन, जब आपके पिंपल्स थोड़े कम हो जाए देन फिर आप ये क्रीम अप्लाई कीजिएगा. डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है आपने? इसलिए बोलते हैं कि पिंपल्स पे क्रीम्स या ये सारी चीजें फौरन से लगाते नहीं है. थोड़ा सा जब वो ड्राई हो जाए, डल हो जाए, रिड्यूस हो जाए, थोड़ा सा यू नो कम हो जाए, देन उसके बाद फिर कोई क्रीम या कोई भी चीज अप्लाई करते हैं. मैं आप लोगों को एक आसान हल बता रही हूँ. आप लोग बोलेंगे यार ये क्या रोज वाटर ही करती रहती है. तो सबसे पहले तो भाई रोज वाटर को आपने फ्रिज में रख देना है ठंडा करके, ये आपने स्प्रे करना है इसका. तो एक तो ये आपके जो है ना, मतलब रोज वाटर क्या करता है, बेसिकली टोनर होता है, आपके पोर को मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है. अच्छा जी, सो अब बात आती है कि विटामिन सीरम वगैरह हम लोग इस्तेमाल करें, लेकिन अभी ये गर्मियां स्टार्ट हो गई है तो सीरम या क्रीम्स वगैरह बहुत हैवी लगता है, इंसान नहीं लगा पाता है, ठीक है. तो उनके लिए मैंने बहुत जबरदस्त चीज अभी देखी है, विटामिन सी का रोज वाटर आ चुका है. मैं आपको इसको ओपन करके बता देती हूँ कि किस तरह से ये अंदर से, और बहुत ही रीजनेबल है. आई गेस इज जस्ट 175 रुपीज, ठीक है, 175 रुपीज में आप लोगों को ये मिल रहा है.
और बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तकरीबन मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए अभी 1 वीक हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी बहन साहिबा एक मेरे पास से लेकर चली गई है, तो फिर मैंने ये दोबारा से दूसरा लिया है, ठीक है जी। सो आप लोग ये देख सकते हो, विटामिन सी हम लोगों को पता है हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे फेस को स्मूथ करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है, और इसके साथ साथ फिर ये हमारी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड कर रहा है, और हमारे ये जो छोटे छोटे से ये जो दाने हो रहे हैं ना, ये उनके लिए भी ट्रस्ट मी बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हैवी चीजें अप्लाई नहीं कर सकते, हमने सिर्फ ये विटामिन सी का जो है स्प्रे लिया, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमने इसको किया, इसको अगर आप फ्रिज में रख दें ठंडा करके लगाएं तो और भी ज्यादा अच्छा है, काफी आपको यू नो कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठंडा ठंडा सा लगेगा, और ट्रस्ट मी मैंने लगाया मतलब लाइक बहुत अच्छा स्मूथ स्मूथ सा मुझे लुक आ रहा है, फील आ रहा है। इसको आपने छोड़ देना है और ये खुद ही से ड्राई हो जाएगा। इसके बाद भाई तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, वो है एलोवेरा, ठीक है जी। सो आप लोगों को पता है एलोवेरा हमारे फेस के लिए भी अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है, हमारे हर चीज के लिए भी अच्छा होता है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा है वो तो एलोवेरा खाती भी है, ठीक है। तो क्या है यार कि हमने कुछ नहीं करना है इन छोटी छोटी गर्मी दानों के लिए, हमने क्या करना है, लेना है एलोवेरा, और एलोवेरा हमने थोड़ा सा लेकर पी साइज क्वांटिटी मटर के दाने जितना लेकर हमने अपने ये पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। रोज वाटर लगाना है, ये विटामिन सी का रोज वाटर आप लोग लगा सकते हो, एंड देन उसके बाद आपने छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, देन आपने एलोवेरा लगा दिया एंड छोड़ दिया। अगर आप नेचुरल ले लोगे तो बेस्ट है, ठीक है। मेरे पास नेचुरल अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये आर्टिफिशियल वाला लिया हुआ है, आप नेचुरल ले लो जबरदस्त रहेगा। नेचुरल आपने एलोवेरा लगा लिया, रोज वाटर का इस्तेमाल, क्योंकि गर्मी इतनी है, लोग परेशान इतना है, कोई भी चीजें लगा नहीं पा रहे, ठीक है जी। सो आपने इंशाल्लाह ये 2-3 चीजें अप्लाई करनी है, ये खुद ही कम हो जाएंगे, और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अभी निकलेंगे, ये अभी हो जाएंगे, इंशाल्लाह ये आगे काफी हद तक खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली कम होते रहेंगे। आइसिंग बहुत जबरदस्त होती है, आप लोग आइस क्यूब्स लेकर आइसिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आई होप अब आप लोगों के छोटे छोटे गर्मी दानों का मसला हल हो गया होगा, सही हो गया। सो अब बारी आती है, जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ आपकी स्किन के बारे में आपको खुद गाइड करती रहूंगी, तो उसकी बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है जी डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन एंड पिगमेंटेशन। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, ऐसी चीज समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज कैसे हो रही है। तो बेसिकली डार्क स्पॉट्स कैसे होते हैं, अनइवन स्किन टोन कैसे होती है, हमारी स्किन में मेलानिन सेल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। जो मेलानिन सेल्स होते हैं वो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं तो सन की यूवी रेज से, आपको पता है जब आप धूप में जाते हो तो सन की रेज होती है, यूवी रेज होती है, बर्निंग रेज होती है, कैंसर रेज होती है। सन की यूवी रेज से हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से, ये मैं बहुत शॉर्ट आपको बता रही हूँ, जिसकी वजह से हमारी स्किन अनइवन होती है। सबसे पहले क्या होता है, अनइवन हो जाती है, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, उसके बाद हमारे डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, वो डार्क स्पॉट्स बना देते हैं, एंड उसके बाद फिर वो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयाँ जिसे हम बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जो आप लोगों को पता है कि मेरे इस जगह पर यहाँ पर झाइयाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, अब आप लोगों को पता चला, ये तो होगा, समझ रहे ना, ये तो होगा वाली बात है। धूप निकली है, धूप में जा रहे हैं, सेल्स डैमेज होंगे, ये तो होगा। हमने क्या करना है, कोई भी अच्छा सनब्लॉक, कोई भी अच्छा सनब्लॉक, कोई स्पेसिफिकली ब्रांड मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, जो भी स्किन पे आपके सूट करता है, लाजमी लाजमी सनब्लॉक लगाएं। सनब्लॉक आपकी स्किन को इतना ज्यादा बचा सकता है। हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, हम लोग बाहर धूप में ऐसे ही चले जाते हैं, कोई भी क्रीम अप्लाई कर लेते हैं। आप वो क्रीम अप्लाई करो जिसमें सनब्लॉक ऐड हो, ठीक है जी। सनब्लॉक लगाना इसलिए बहुत जरूरी है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं सन की वजह से, तो क्यों ना हम सनब्लॉक लगा के हमारी स्किन को सेव कर लें, ठीक है जी। सो आज मैंने आपको बताया कि डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन हमारी स्किन में कैसे होते हैं, क्या होता है, और उसके लिए क्या करना चाहिए। सनब्लॉक, रोज वाटर का इस्तेमाल रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, गर्मियों में पानी पिए यार। अभी मैं माशाल्लाह से मेरी, आप लोगों को मैंने बताया था कि डाइट क्या मतलब, थोड़ा मैं क्लीन खाना स्टार्ट किया है अभी, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा वेट मेरा बढ़ गया था। मुझे खुद भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पानी पी रही हूँ। तुखम बालंगा हो गया, उसको मैंने ऐड किया है, तरबूज खा लो। इसके अलावा यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, क्लीन यू नो अपनी डाइट में शामिल करो। क्लीन मतलब क्लीन ईटिंग करो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ,
ये ऑयली वाली चीज़ें छोड़ दो, ये डीप फ्राई वाली चीज़ें छोड़ दो, उसकी वजह से भी पिंपल्स होते हैं। इस वेदर के लिए, गर्मियों के लिए बिल्कुल भी आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है जी, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आई हैं, कोई भी चीज़ जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया, आप पूछना चाहते हो, आप लोग मुझे कॉमेंट्स करो, लाजमी कॉमेंट्स करके आप लोग मुझे बताया करो, ताकि आप लोगों को मैं और ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों की नॉलेज अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप लोग नए हो तो मैं बता दूं कि मेरा नाम उरूज है एंड मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ स्किन के बारे में, मेकअप के बारे में, ब्यूटी टिप्स एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जिसको नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।